हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो कोरोजन चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो होता है उसके टाइप, उसके बारे में बताया था। ये उसी के एग्जाम्पल हैं, उसी के टाइप हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बाई मेटेलिक कोरोजन, यानी कि द्विधात्विक संक्षारण, जिसको हम गैल्वेनिक कोरोजन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जो है गैल्वेनिक संक्षारण या गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। तो इसमें जो है, जो बाई मेटेलिक, बाई का मतलब होता है दो, और मेटल तो जानते ही हैं आप, तो दो मेटल वाला जो कोरोजन होता है, यानी कि द्विधात्विक संक्षारण में क्या है कि जब मेटल के जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यानी कि कोई लिक्विड है, मतलब एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो जब किसी लिक्विड में जब दो मेटल, दो डिफरेंट मेटल जब डूबी हुई होती हैं, पार्शली डिप्ड होती हैं, तो इसमें आप, इसमें जो दो मेटल डूबी हुई होंगी तो वो क्या है कि वो इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करने लगेंगी। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड की तरह वर्क करने लगेंगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा है कि जिंक, एक रॉड जो है वो हमने जिंक की ले रखी है, और एक रॉड जो है वो हमने कॉपर की ले रखी है। तो गैल्वेनिक सीरीज़ के बारे में मैंने पहले भी जब फैक्टर्स बताए थे आपको, तो उसमें भी बताया था कि ये गैल्वेनिक सीरीज़ होती है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके एक्टिविटी के बेस पे। जो मोर एक्टिव मेटल हैं वो गैल्वेनिक सीरीज़ में ऊपर की तरफ अरेंज है, और जो लेस एक्टिव मेटल है वो नीचे की तरफ अरेंज हैं। तो जिंक जो है वो एक्टिव मेटल में आती है, और कॉपर जो है वो जिंक के कंपेयर में कम एक्टिव मेटल होती है। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट मेटल होंगी उनमें से जो एक्टिव मेटल है, यानी कि जो सक्रिय धातु है, वो एनोड का काम करने लगेगी, वो एनोड की तरह वर्क करेगी, और जो थोड़ी कम एक्टिव मेटल है वो कैथोड बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनोड जो है, यहाँ पे जिंक जो है वो एनोड की तरह वर्क करने लगेगी, और कैथोड जो, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह वर्क करने लगेगी, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिंक रॉड से निकल के जाने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है रॉड, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के जाने लगेंगे कैथोड में। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड में जाने लगेंगे, तो जो एनोड वाली रॉड है इसमें कोरोजन हो जाएगा, यानी कि ये संक्षारित हो जाएगी, एंड ये जो कैथोड है ये प्रोटेक्टेड रहेगी, इसमें संक्षारण जो है नहीं होगा। तो कैथोड प्रोटेक्टेड है, तो इसी कोरोजन को बोलते हैं हम द्विधात्विक संक्षारण या फिर गैल्वेनिक कोरोजन, बायमेटेलिक कोरोजन। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। द टाइप ऑफ कोरोजन विच टेक प्लेस इन द मेटल हायर इन गैल्वेनिक सीरीज व्हेन टू डिसिमिलर मेटल लाइक जिंक एंड कॉपर आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड एंड एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड बाई मेटेलिक कोरोजन। मतलब वो कोरोजन जिसमें मेटल जो है, दो डिफरेंट मेटल जो गैल्वेनिक सीरीज में, एक मतलब जो एक्टिव मेटल है और एक कम एक्टिव मेटल है, तो उनको जब हम दो डिसिमिलर मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइट या किसी सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं और वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जब एक मेटल पे जो कोरोजन हो जाता है उस कोरोजन को हम बोलते हैं बाई मेटेलिक कोरोजन। तो इसमें एग्जांपल मैंने बताई दिया है, इन दिस केस जिंक इज एट हायर प्लेस इन गैल्वेनिक सीरीज देन कॉपर, मतलब कॉपर के कंपेयर में जो जिंक है वो हायर प्लेस पे है, तो इस वजह से जिंक रॉड जो है वो एक्ट करेगी एनोड की तरह एंड अंडरगोस कोरोजन, यानी कि उसमें कोरोजन हो जाएगा, और जो कॉपर है वो कैथोड की तरह वर्क करेगी, यानी कि वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये तो था बाईमेटेलिक कोरोजन। इसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन मतलब सांद्रण सेल संक्षारण जो है, ये एक मेटल के लिए, जैसे अभी जो आपने पिछला टॉपिक जो देखा है बाईमेटेलिक, वहाँ पे दो डिफरेंट मेटल की बात थी, यहाँ पे एक ही मेटल की बात है, यानी कि जो एक मेटल जो है वो लिक्विड में डूबी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि जितना हिस्सा मेटल का डूबा हुआ होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये हिस्सा जो है, ये एरिया एनोडिक बन जाएगा, यानी कि एनोड की तरह वर्क करने लगेगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि जो वाटर लाइन से जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो कैथोड बन जाएगा। तो एक ही मेटल में एनोडिक और कैथोडिक एरियाज जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से निकल के ऊपर कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, तो जितना एरिया ये जो एनोड का है इसमें कोरोजन हो जाएगा,
और जो कैथोड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो कैथोड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि कैथोड में वाले हिस्से में कोरोजन नहीं होगा, और जो एनोड वाला एरिया है वहाँ पे कोरोजन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही मेटल में एनोड और कैथोड बने होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पे भी बता देती हूँ, द टाइप ऑफ कोरोजन दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द मेटल सरफेस एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन इज कॉल्ड कंसनट्रेशन सेल कोरोजन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, क्योंकि जब एक ही मेटल डूबी हुई है लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पुअर ऑक्सीजनेटेड होगी, यानी कि यहाँ पे जो है पुअर कंसनट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, और ऊपर जो है कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है कि दिस अकर्स व्हेन ए पार्ट ऑफ मेटल इज एक्सपोज टू अ डिफरेंट एयर कंसनट्रेशन फ्रॉम द अदर पार्ट। तो पुअर ऑक्सीजनेटेड पार्ट, पुअर ऑक्सीजनेटेड मतलब जो डूबा हुआ हिस्सा है, डिप्ड है, पार्ट विकम एनोडिक विच कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल पार्शली इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन। यानी कि जो पार्शली इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन है, तो ये पुअर ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से एनोड बन जाएगा, और एनोड बनने की वजह से यहाँ पे कोरोजन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि बता ही चुकी हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाएंगे, तो एनोड जो है उसमें कोरोजन हो जाएगा एंड कैथोड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये था कंसनट्रेशन सेल कोरोजन। इसके बाद एक पिटिंग कोरोजन है। पिटिंग कोरोजन जो है, पिटिंग कोरोजन में क्या होता है कि जब कोई मेटल की सरफेस, मान लिया ये मेटल की सरफेस है, तो जब इसमें धूल जम जाती है, तो धूल जमने की वजह से जहाँ पे डस्ट के पार्टिकल, डस्ट बन गई है, रस्ट बन गई है, तो उसमें जो डस्ट और रस्ट के पार्टिकल बन जाते हैं, तो अगर उसको हम साफ़ करते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे पिट बने होते हैं। पिट मतलब कैविटी, जिनमें जो है डस्ट के पार्टिकल फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंसनट्रेशन सेल कोरोजन की तरह क्या होता है कि जहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से एनोड बन जाते हैं, और जो ऊपर की सरफेस है वो जो खुली हुई, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो पिट्स बने हुए हैं वहाँ पे, तो वो कैथोड की तरह काम करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है कि एनोड से निकल के कैथोड पे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कैविटी बनी होती है, जो पिट बने होते हैं, उन्हीं में और कोरोजन होता जाता है, और जो जो प्लेन सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सही होती है, तो वो सेफ बने रहते हैं। तो इस कोरोजन को बोलते हैं पिटिंग कोरोजन, यानी कि पिटिंग संक्षारण। तो व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल इज कवर्ड विद डस्ट, रस्ट एंड और एनी अदर सब्सटेंस, यानी कि डस्ट, रस्ट या किसी भी सब्सटेंस से कवर्ड होती है, तो द कवर्ड सरफेस एक्ट एज एनोड। कवर्ड सरफेस जो है वो एक्ट एज एनोड ड्यू टू द लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड अनकवर्ड सरफेस एक्ट एज कैथोड ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट कंसनट्रेशन सेल इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे भी सेम कंसनट्रेशन सेल कोरोजन की तरह, यहाँ कंसनट्रेशन सेल डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिट और कैविटी जो है वो बन जाती है। पिट छोटे छोटे जो माइन्यूट से गड्ढे देखे होंगे, कि अगर आप रस्ट हटाते हो, कि लोहे पे अगर जंग लगी हुई है तो उसको अगर हटाते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे से दिखते हैं, उन्हीं को हम पिट बोलते हैं या कैविटी बोलते हैं। इज़ फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ड्यू टू कोरोजन, दिस इज़ कॉल्ड पिटिंग कोरोजन। तो ये तो था पिटिंग कोरोजन। इसी चैप्टर में एक छोटा सा ये एक टॉपिक आता है पैसिविटी। तो जो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ रहे थे, तो वो तो आपके सिलेबस में 3 टाइप के हैं, बाई मेटेलिक कोरोजन, कंसनट्रेशन सेल कोरोजन और पिटिंग कोरोजन। तो उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो एक छोटा सा टॉपिक और आता है मेटल्स के, जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं से रिलेटेड, पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। तो पैसिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में मैंने बताया है आपको, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या गैल्वेनिक सीरीज़ जिसको बोलते हैं, कि उसमें जो एक्टिव मेटल होती हैं वो ऊपर की तरफ अरेंज होती हैं, और जो कम एक्टिव मेटल होती हैं वो नीचे की तरफ अरेंज होती हैं। तो पैसिविटी जो है वो एक फेनोमेना है, जिसमें क्या है कि मेटल्स जो हैं
उनके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस करने की पावर होती है गैल्वेनिक सीरीज में, उनकी पोजीशन के कंपेयर में मतलब ज़्यादा पावर होती है कि वो कोरोजन को रेजिस्टेंस कर सकती हैं। मतलब पैसिविटी इज़ द फिनोमिना विच अ मेटल और एलॉय शोज मच हायर कोरोजन रेजिस्टेंस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द गैल्वेनिक सीरीज। मतलब जो गैल्वेनिक सीरीज में उनकी जो पोजीशन दी हुई है उसके कंपेयर में मच हायर कोरोजन जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो शो करती है, यानी कि जो संक्षारण को रोकने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से ज़्यादा शो करती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं दिए हुए हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम। तो ये इनका जो ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर में ये जो अपना पैसिविटी शो करते हैं। मैग्नीशियम है, निकिल है, कोबाल्ट है, एफ ई आयरन, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, टिन, लेड, कॉपर। तो ये मेटल्स हैं जो पैसिविटी फिनोमेना शो करती हैं। तो आपको जो है ये टॉपिक पढ़ा में जो है कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या गैल्वेनिक सीरीज़ का नाम आया है, तो गैल्वेनिक सीरीज़ के बारे में भी बता देती हूँ। गैल्वेनिक सीरीज़ जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बोलते हैं, ये पहले ही मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को उनकी एक्टिविटी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में रखा गया है। तो एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज विद देयर रिडक्शन पोटेंशियल डाउन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस सीरीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यानी कि गैल्वेनिक सीरीज़। तो इसमें जो ऊपर की तरफ मेटल अरेंज होती है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जो ऊपर की तरफ मेटल है ये एक्टिव मेटल है, यानी कि इनमें जो है वो कोरोजन करने की वो ज़्यादा होती है, इनमें ज़्यादा कोरोजन होता है। और एज़ कम्पेयर टू नीचे जो मेटल दी हुई है तो इनमें कोरोजन कम, ये एनोडिक होती हैं। ये जो है देख रहे हैं आप, ये एनोडिक एरिया ज़्यादा इनमें डेवलप होता है और इनमें कैथोडिक एरिया ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये तो थी गैल्वेनिक सीरीज़। इसमें एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम एलॉयज मतलब एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातुएं होती हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, लेड, टिन, ब्रास, कॉपर, निकिल, सिल्वर, औरंग, प्लेटिनम। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं गैल्वेनिक सीरीज़ के। तो आई होप आपको ये टॉपिक सभी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।